विकास कार्य के नाम पे प्रधान ने लाखों रुपए निकाल लिए, लेकिन गांव में किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं कराया गया, ना सड़क ना नाली, किसी भी तरीके का कोई भी विकास ग्रामीणों को नहीं मिला। अब आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। ग्राम विनायकपुर तहसील करहल के ये नजारे हैं। यहाँ विकास कार्यों के नाम पर ग्राम प्रधान के द्वारा करोड़ों रुपए तो निकाले गए, लेकिन गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया, जिस ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी मैनपुरी को शिकायती प्रार्थना पत्र में लिखा गया है, जिस कार्य के लिए ग्राम प्रधान ने पैसे निकाले हैं वो काम तो गांव में हुआ ही नहीं है। जैसे गाँव में इंटरलॉकिंग रोड, RCC रोड, शौचालय, कॉलोनियां आदि का निर्माण गांव में नहीं हुआ और करोड़ों की संख्या में विकास कार्य के नाम पर पैसे निकाल लिए गए हैं। सभी ग्रामीणों ने जिला अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय से न्याय की गुहार लगाते हुए ग्राम प्रधान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके हम सब ग्रामीणों के जीवन यापन के लिए आगे की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करके गाँव को विकास कार्य की तरफ ले जाया जाए, हम सब ग्रामीणों का जीवन अच्छी तरह कट सके, जिससे हम सभी को ऐसे भ्रष्ट प्रधानों से छुटकारा मिल सके, क्योंकि देश में ऐसे लोगों की वजह से जीवन जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा, आपको शौचालय मिला? हमें कुछ नहीं मिला। आपने कभी प्रधान जी से कहा? खूब कही, तीन ना फार्म भरे। अच्छा, फिर क्या कह देते हैं प्रधान जी? जकत आई हो तुम, फार्म डाल रहे हो वही हो। अच्छा, अभी तक कोई, चार सालों में कोई नहीं, पांचवी चाल चल रही है प्रधान जी, अभी तक कोई? कॉलोनी के लिए अप्लाई किया आपने? खूब करो, कुछ नहीं हुआ। प्रधान जी क्या कहते हैं? जकत आई तुम फार्म डाल दो, राशन कार्ड मांगा था, आधार कार्ड मांगा था, जो सब मांगा था, अब सब दाओ है, तीन नहीं दाओ है। उसके बावजूद भी नहीं दिया? क्यों नहीं दिया, क्या वजह थी? अब खाना नहीं पाए, नहीं दो, अब दे तुम। यार निकलवाए पड़ंजा डेली ऐसे ही आके चला दिया। निकलता अकेले निकल गया। ए कोटा टीवी ना दिखा नहीं हो, निकल भाई, मैं निकल जा, पाए निकल जाओ, देखो आ यार निकल जा, हो जाए इधर से ले सीधे बहुत बुद्ध हो जाएगा। Yeah.